हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल नेचुरल बाय सुमन। आज मैं आपके साथ एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपके हेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस मास्क को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, यानी कि मार्केट वाला प्रोडक्ट ही कुछ यूज ही नहीं होने वाला। यहाँ पे हम जो भी यूज करेंगे सारे नेचुरल होगा और 100% इफेक्टिव होगा। तो गाइस, इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा का फ्रेश लीफ। मैं यहाँ पे प्योर फ्रेश लीफ ही ले रही हूँ। फ्रेश अगर आपको नहीं मिल रहा तो चलेगा, बस एलोवेरा का लीफ ही होना चाहिए। और हमें चाहिए थोड़ा सा दही। तो गाइस, ये है ना बिल्कुल नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं 100% नेचुरल। तो गाइस, एलोवेरा जितना हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है उतना हमारे हेयर के लिए भी है। ट्रस्ट मी गाइस, इस मास्क को एक बार जरूर अप्लाई करिए। बार बार यूज करेंगे, यूज करने का मन होगा आपका, क्योंकि इस मास्क की एक ही बार की यूज से आपको आपके हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके हेयर फ्रिजी हो जा रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो आप फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, हेयर की फ्रिजीनेस कहीं दूर हो जाएगी। अगर आपके बाल रूखा सूखा हो गया है, बेजान हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, कलरलेस लग रहा है, तो इस मास्क की अप्लाई से आपका हेयर शाइनी, सिल्की एंड स्मूथ बन जाएगा। और ये आपके बाल को उसका नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा, आपकी थिक हेयर को घना खूबसूरत बनाएगा। तो गाइस, सबसे पहले इस पत्ते को हम छील लेंगे और इसका जेल निकाल लेंगे। इसको छील के इसके जेल को निकाल लेंगे एक बाउल में, फिर इसको ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसके जेल को निकाल लिया है एक बाउल में। इसको अब हम एक ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद आप देख सकते हो ये कैसे फोम की तरह लग रहा है। ये आपकी हेयर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर आपकी बाल टूट रहे हैं, कमजोर हैं, तो ये मास्क आपके लिए परफेक्ट है। ये आपकी हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। देन हम इसमें डालेंगे दही। दही आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल हमारे हेयर को नरिश करता है। एलोवेरा जेल की यूज से आपकी टैंगल्स इमीडिएटली रिमूव हो जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी बाल की फ्रिजीनेस दूर हो जाएगा और हेयर बिल्कुल शाइनी बनेगा। एलोवेरा जेल आपकी बाल में जान डाल देता है, बाल को घना बना देता है, मजबूत और लॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, आपकी बाल को सिल्की शाइनी बना देता है। एलोवेरा जेल बाल से जुड़े सारे समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। दही जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आपकी डैंड्रफ, इचिंग प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। बाल अगर पतला हो गया है, ग्रोथ कम हो रहा है, या फिर ग्रोथ होना रुक चुका है, तो ये उसे ग्रोथ कराने में मदद करेगा। तो गाइस, इस पैक को आप अपने हेयर पर लगाकर 30 मिनट तक रख लीजिए एंड देन शैम्पू से वॉश कर लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, बाल से जुड़े सारे समस्या आपके दूर हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।